तालीम आदमी को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त हम करेंगे और रहने का इंतजाम तो वो तो तुम फतेह खान के साथ हो। ये क्या पन्ना पन्ना लगा रखा है, बंद कर। खाना मुझे सिखाना नहीं आता, तुम्हें सीखना है तो शायद पैसे सीखो। चुप कर, नहीं सीखेगी। अगर हमारा राबिया बेटा तालीम हासिल करना चाहता है उसे पढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं तो भी आपका ब्याज 12,000 नहीं 10,192 रुपए बनता है। ये सब तुम इन किताबों से सीखा है? ये तालीम तो बहुत जल्द हासिल हो जाती है भाई। तब तो हमको भी तुम्हारा शागिर्द बनना पड़ेगा। क्या हुआ अमीन? आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी चलिए। सब खैरियत तो है ना? हमें नहीं मालूम, आप जल्दी चलिए, हम सवाल बीच में ही छोड़ के आए। बैठो। आदाब खा साहब। आदाब। आदाब खाला। बोलो कैसे हो, ठीक ठाक हो ना? जी सब बेहतर है। आपने याद फरमाया खा साहब? हाँ बेटा, वो ऐसा है ना कि मैं तो दिन भर भेड़ बकरियों के पीछे भागा दौड़ी करता रहता हूँ और तुम भी कोई कम काम नहीं करते, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते रहते, इसलिए बातचीत करने का तो मौका ही नहीं मिलता। बेटा बाकी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है ना? बस आपकी दुआ है खान साहब, बच्चे काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे काफी मजा आ रहा है। वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आमीन काफी जहीन है, बहुत तेजी से सीख रहा है ये, आप देखिएगा बड़ों बड़ों के कान कतरे गए। शुक्र अल्लाह ताला, शुक्र अल्लाह ताला। देखो बेटा ये राबिया है मेरी बेटी, ये भी तालीम हासिल करना चाहती है, इसको तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। मैं तुमसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुम उसकी तालीम का कोई बंदोबस्त कर दो। इसमें क्या दिक्कत है खान साहब, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने आ सके तो इस बात की मुझे बेहद खुशी होगी खान साहब। नहीं शायद साहब, राबिया पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा, तुम शायद बेटा तुम ऐसा करो, तुम्हें ही जहमत उठानी पड़ेगी, तुम्हें यही घर में ही आके उसे पढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसे भी मेरे पास काफी खाली वक्त रहता है, बच्चे दिन में भेड़ों को चराने जाते हैं तब मैं खाली तो रहता हूँ, मैं जरूर आऊंगा खान साहब। बेहतर, तो तुम कल से ही राबिया के उस्ताद बन जाओ, है ना? क्यों राबिया? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ खान साहब कि अगर कबीले के कुछ बड़े लोग भी वक्त निकाल सके तो उन्हें भी तालीम हासिल करनी चाहिए, मैं तो हूँ ही, इसमें ज्यादा वक्त खर्च नहीं होगा। अरे होए होए शायद भैया हम बूढ़े बंदरों को भी पढ़ाएगा तू? तालीम के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता खान साहब। अभी तो हमारी औलादों को ही पढ़ा, हाँ हमारी बात छोड़ दो। जी बेहतर। भाईजान आपको शायद नींद नहीं आ रही है, मैं लालटेन बुझा देता हूँ। पढ़ो पढ़ो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सो जाएगा, तुम पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अल्लाह हाँ।
अंग्रेजी के शब्द पहचान कर लिखना। इनको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। अपने मन में कोई कहानी बना लो, जैसे एक लाइन टेढ़ी होकर दूसरी लाइन टेढ़ी होकर एक दूसरे से जुड़ती है। मैं समझाता हूँ स्लेट पर। देखो, ये एक टेढ़ी लाइन, ये एक लाइन यहाँ कर जुड़ जाती है, और ये एक लाइन इन दोनों को बीच में से काटती है। यही समझो कि गले मिलती है। देख भेड़ किधर को जा रही है, वो क्या देख रही है, जा। क्या बात है खाला, आप हमसे नाराज हैं? अनजाने में हमसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हमें डांटिए, हमें सजा दीजिए, ताकि हम वो गुस्ताखी को दोबारा करने की हिम्मत ना कर सके। पर इस तरह हमसे नाराज मत रहिए, हम आपके बेटे की तरह हैं। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है शायद। तुम अपना काम करो, अगर हद में रहकर। हम इस तरह काम नहीं कर सकते खाला, अगर आप चुप रहेंगी तो मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। मुझसे क्या गुस्ताखी हुई है? मेरी माँ नहीं है खाला, पर मैं आपको अपनी माँ से बढ़कर समझता हूँ। आपको आमीन की कसम, बताइए उसे क्या गुस्ताखी हुई है? हमारे साथ एक बहुत बुरा वाक्या हुआ है, इसलिए अब हर इंसान पर से हमारा यकीन उठ चुका। कैसा वाक्या? शायद जब मैं जवान थी, मेरी एक सहेली थी आयशा। मेरे मायके के कबीले के एक लड़के अनवर से मोहब्बत करती थी, वो भी उसको दिलो जान से चाहता था। तभी एक लड़का रशीद दिल्ली से आया, बोला हमारे कबीले के लोगों के ऊपर कोई किताब लिखना है। वो इधर हमारे कबीले के लोगों के बीच में कुछ महीने तक रुका। उसने आयशा को बहका दिया, उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। उसको बहुत समझा कि अनवर बेहतर लड़का है, उसे बेपना मोहब्बत करता है। वो तो रशीद की मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुकी थी, उसने मेरी एक नहीं बल्कि उसने तो अनवर को भी जलील किया। एक दिन रशीद ये कह के दिल्ली वापस चला गया कि वो एक हफ्ते के बाद अपने वालिदैन के साथ आएगा और उससे निकाह करेगा। पर वो नहीं आया। आशा को पता चला कि वो पेट से ये राज मेरे बिना और कोई नहीं जानता था। आयशा ने खुदकुशी करने की कोशिश की, पर अनवर ने उसको बचा लिया, और ये जानते हुए भी उसके साथ निकाह करने को राजी हो गया कि आयशा के पेट में बच्चा है। आयशा ने एक बच्ची को जन्म दिया, पर खुद बच नहीं पाया। बच्चे के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गए।
बच्ची की तरह पाला पोसा बड़ा किया सगाई की। पर निकाह के एक दिन पहले एक हादसे में मारा गया। उस बच्ची को आज तक इस राज का पता नहीं है कि अनवर उसका अब्बा नहीं है। मेरी बच्ची, आज शायद के सामने मैं ये राज तुम्हारे सामने खोल रही हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें बाप का प्यार दिया, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बेपनाह लाड और दुलार दिया, तुम्हें दिलो जान से अपने जिगर का टुकड़ा माना, वो तुम्हारा असली अब्बा नहीं था। माफ कर दीजिए खान, आज हमें पता चला कि आप हमसे इस तरह पेश क्यों आती थी। आप बिल्कुल मुनासिब सोचती हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूं खाना, कि मैं आपके जज्बात से कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। आगे जाने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। मैं राबिया को किसी भी गलत नजर से कभी नहीं देखूंगा। बस अगर आप मेरी ये गुजारिश मान ले तो क्या मैं आपका खोया हुआ बेटा बन सकता हूं? आप यकीन करें, मुझे अगर आप मुझे यहां से जाने का भी हुक्म सुनाएंगे तो मैं आपसे बिना कोई सवाल किए यहां से इसी वक्त चला जाऊंगा। आप बताएं अम्मी, मैं क्या करूं? क्या चाहती हैं आप? इंसान कर ही क्या सकता है, उसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह ताला जो चाहेगा वही होगा, हमारी क्या औकात है। शाबाश, वेरी गुड जॉब। और बच्चों, इसे हिंदी में लिखते हैं गाय। गा, बड़े आ की मात्रा और या, गाय। क्या
बस कर। अबू अबू पैसे दे। चुप। अबू अबू पैसे दे। अरे जाएगा कहाँ तू? सिनेमा देखने। सुन, बड़ा खर्चा करने लगा है तू, हाँ? ये ले। लेकिन जल्दी घर वापस आना, हाँ? ठंडा हो रहा है, किताबों में घुसी रहती है, खाना खा। सिनेमा में बहुत मजा आया अबू। बेहतर है, चल चल खाना खा। अबू फिल्म बहुत अच्छी थी, पर हीरो मर गया। पर हीरो का जो अबू था, हीरोइन का ससुर, उसने हीरोइन की शादी किधर और करा दी। अबे ओए नका नका, सो अंदर डर बकवा करा है, जा दसो जा अंदर, ये सो जा, जल्दी कुछ फोन चल छोटा बकवास करा है, सिर्फ बकवास करता रहता है। राबिया के जिंदगी भर इधर ही बैठी रहेगी। ओ क्या बात करती है तू, वो क्या तेरे पे बोझ लगती है? तेरी अपनी बच्ची होती तो ऐसी बात करती तू? मेरी अपनी बच्ची होती तो मैं उसका शादी करने का सोचती। राबिया का निकाह नहीं कर सकते। कौन करेगा शादी उसके साथ? पूरा कुंभा तो उसे बदनसीब मानता है। मान लो कोई उससे शादी करने को राजी हो जाता है, पर वो हमारे कबीले का नहीं है। ओए घुमा फिरा के क्या बात कर रही है तू? साफ साफ बोलना, तू चाहती क्या है? मैं शाहिद की बात कर रही हूँ। तुम क्या सोचते हो वो क्यों आता है इधर? वो राबिया से मोहब्बत करता है। मोहब्बत? शाहिद? क्या बात है साहब? कमी नहीं। खा साहब एक बार मेरी बात तो सुन। क्या बताएगा तू? शायद भाई, शायद भाई। अरे क्या हुआ भाई? कमजोर कमीने, नमक आराम। अरे कुत्ते भाई जान, क्या कर रहे हो भाई जान? कमजोर, तेरे को नहीं छोड़ूंगा ऐसा परामर्श, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। हमारी हमारी इज्जत के साथ खेलता तू? बस करो, मार डालोगे क्या? क्यों खून जमा रहे? अब नहीं छोड़ूंगा मैं आज तेरे को, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाईजन वो मर जाएगा। मरने दो, इसका
इसका मरना ही ठीक है। अरे चलो उसको, चलो उसको, अरे चलो उसको, चलो इसको, चलो इसका अंदर, अंदर, आ तुम लोग, ए, तुम, ए लाबिया, ए अमीन जाओ, तुम अंदर जाओ, जाओ, जाओ बेटा जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ, ए आप लोग जाओ, जाओ अंदर जाओ, क्या तुम ऐसा देखते हो? अरे जाओ ना आप लोग, देखो तुम ऐसा देखते इधर, ए भाई जन, आप आओ मेरे साथ तम्बू में आओ, अरे भाभी जन आप भी आओ मेरे साथ, हमारा तम्बू में आओ, इधर आओ, अरे आओ भाई जन इधर आओ आप, भाभी जन आओ हमारे साथ। आइए भाईजान, आइए, आइए भाभीजान, बैठिए, अभी आराम से बैठिए। अभी बताइए, आप इतना गुस्से में उसको ताबड़तोड़ क्यों मारे थे? आखिर क्यों? उसने उसने दगा किया हमारे साथ, मेरे यकीन के चीथड़े कर दिए उसने। अरे फतेह, तुम्हें मालूम है वो हमारे साथ इस डेरे पे रहता क्यों है? मालूम है? इसलिए रहता है कि वो राबिया से मोहब्बत करता है। आप हैरान है ना कि हमको इस बात का इल्म कैसे, और हमको हैरानी इस बात का है कि आपको इस बात का इल्म क्यों नहीं है अभी तक। अरे जब हमारा जैसा बेवकूफ आदमी उसकी आंखों में प्यार को पढ़ सकता है तो आपको अभी तक पता क्यों नहीं चला भाईजान? अच्छा एक बात बताइए, राबिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ख्याल है? राबिया आपके सामने चुप रहता है शर्म के मारे, बोलता नहीं, पर असलियत यह है कि वो भी उससे मोहब्बत करता है। फतेखान, अरे हम पर चिल्लाने से क्या होता है भाईजान? भाभी जान को इस बात का पहले से इल्म था, पूछो, पहले दिन से जानती है वो। बताओ भाभी जान, आपको सब कुछ मालूम था कि नहीं? बताओ क्या तुम्हें तुम्हें मालूम था ये सब कुछ? मुझे छिपाया क्यों? भाईजान आप अभी भी गुस्से में हैं। देखिए ठंडे दिमाग से काम लीजिए, हमारा मशवरा मानिए, आप अभी जाइए और सो जाइए। सुबह ठंडे दिमाग से हम सोचेंगे इस मसले का हल क्या होगा। अभी आप जाइए, भाभीजान लेके जाओ, जाओ भाभीजान, खुदा हाफिज़।